मथुरा यानी मथुरा का नाम सुनते ही दिमाग में सबसे पहले ख्याल भगवान कृष्ण के बारे में ही आता है। यमुना तट के किनारे स्थित ये शहर कई ऐतिहासिक और दैविक इमारत, महल और पवित्र मंदिरों के लिए जाना जाता है। कृष्ण जन्माष्टमी या फिर होली के अवसर पर यहाँ लाखों भक्तों की भीड़ कृष्ण के दर्शन, होली खेलने और अन्य पर्यटक स्थलों पर घूमने के लिए आते हैं। लेकिन मथुरा में कृष्ण मंदिर के अलावा घूमने के लिए कोई जगह सबसे अधिक प्रसिद्ध है तो वो है कंस किला। फोर्ट के बारे में अधिक जानकारी नहीं होने के चलते अक्सर सैलानी इस किले में घूमना भूल जाते हैं। आपको बता दें कि भगवान कृष्ण के मामा कंस को समर्पित ये किला प्राचीन समय से लेकर आज तक सैलानियों के लिए एक मुख्य पर्यटक केंद्र रहा है। आज इस वीडियो में हम आपको कंस किले के बारे में कुछ रोचक तथ्यों के बारे में बताने जा रहे हैं। मथुरा में यमुना नदी के तट पर कई प्राचीन महल स्थित है, लेकिन इन महलों में सबसे अधिक किसी महल के बारे में जिक्र होता है तो उसका नाम है कंस किला। कहा जाता है कि इस महल का इतिहास महाभारत काल से भी पुराना है। कई लोगों का मानना है कि महाभारत काल में ये किला पांडवों के लिए एक विश्राम घर हुआ करता था। हालांकि कई इतिहासकार का मानना है कि 16वीं में जयपुर के राजा मानसिंह द्वारा इस महल को पुनः निर्मित किया गया था। किले की वास्तुकला, मथुरा में ऐसे बहुत कम ही उदाहरण मिलते हैं जहां ये देखने को मिले कि कोई महल या मंदिर हिंदू और मुस्लिम शैली में निर्मित हो। लेकिन कहा जाता है कि मथुरा का कंस किला एक ऐसा फोर्ट है जो हिंदू और मुगल शैली दोनों के मिश्रण को मिलाकर इस फोर्ट का निर्माण किया गया है। कंस किले की दीवारों में हिंदू देवी देवताओं के साथ साथ मुगल शैली के भी बेहद खूबसूरत वास्तुकला का उदाहरण देखा जा सकता है। हालांकि कई दीवार आज खंडहर में तब्दील हो चुके हैं। क्या सच में फोर्ट में वैधशाला था? इस महल को लेकर एक ऐसी धारणा है कि इस महल में एक वैधशाला हुआ करता था। कहा जाता है कि उस महाराजा सवाई जय सिंह ने किले के परिसर में एक वैधशाला का निर्माण करवाया था, लेकिन कहा जाता है कि अब इसका कोई भी अवशेष नहीं है। आज के समय में कंस किले को लेकर वैधशाला एक कौतूहल का केंद्र है। जो भी मथुरा घूमने के लिए आता है किले के साथ साथ वैधशाला की तरफ रुख जरूर करता है। लाल बलुआ पत्थर से निर्मित इस फोर्ट में ऐसे कई विशाल स्तंभ जिसे देखते ही बनता है। किले में घूमने और टिकट की जानकारी, आपकी जानकारी के लिए बता दें कि कंस किले में घूमने के लिए आप सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे के बीच कभी भी जा सकते हैं। हालांकि किसी विशेष मौके पर ही इस किले में जाने की अनुमति नहीं होती है। कहा जाता है कि इस किले के घूमने के लिए सैलानियों से किसी भी तरह का शुल्क नहीं लिया जाता है, यानी आप बिना किसी टिकट के इस फोर्ट में घूमने के लिए जा सकते हैं। अक्टूबर से अप्रैल के महीनों में मथुरा घूमने के लिए बेस्ट समय माना जाता है। किले के आसपास घूमने के लिए जगह, एक प्रसिद्ध पर्यटक और तीर्थ स्थल के रूप में प्रसिद्ध मथुरा में कंस किला के अलावा घूमने के लिए बहुत कुछ है। अगर आप लठमार होली खेलने के लिए इस बार मथुरा जा रहे हैं तो भगवान कृष्ण की सखी यानी राधा की नगरी बरसाना घूमने के लिए जरूर पहुंचे। इसके अलावा आप भगवान कृष्ण द्वारा 7 दिन तक गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी उंगली पर धारण करने वाली जगह गोवर्धन पहाड़ी भी घूमने के लिए जा सकते हैं। इसके अलावा आप कृष्ण जन्मभूमि मंदिर और राधा कुंड आदि जगहों पर भी घूमने के लिए जा सकते हैं। मुझे आशा है कि आपको मेरे वीडियो में साझा की गई जानकारी पसंद आई होगी। कृपया लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें।